अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं बहनाज। इमरान खान की हिदायत पर एक और तुर्क ड्रामा सरकारी चैनल पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर दखल गाज़ी के बाद तुर्क सीरीज सीनियर सैमरे को उर्दू में डब करके राह इश्क के नाम से नश्र किया जाएगा। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूफी अज़म पर मबनी मारूफ तुर्किश सीरीज यूनुस एमरे पाकिस्तान में टेलीकास्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर सैनेटर फैसल जावेद खान ने अपने ट्वीट में इमरान खान की इस ड्रामे को उर्दू में डब करके PTV पर टेलीकास्ट करने की ख्वाहिश का बताते हुए लिखा था कि यूनुस एमरे तुर्की के एक सूफी शायर और दरवेश की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसने अपनी ज़िंदगी तलाश हक के लिए वक्फ कर दी थी। जहरीला शरतकल तहरीर करने वाले मोहम्मद पस्ताख ने ही मारूफ सीरीज यूनुस एमरे को भी तख्लीक किया है। अनातोलिया के इस दरवेश सूफी बुजुर्ग और खुदादाद सलाहियतों के मालिक शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हम असरों में शामिल थे, इसलिए इन्हें रूमी सानी कहा जाता है। तुर्की और वस्ती एशिया के ममालिक में सूफी शायर दरवेश और रूहानी शख्सियत के तौर पर मशहूर यूनुस एमरे सन 1238 में पैदा हुए। रूमी सानी कहलाए जाने वाले अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में तसव्वुफ से बेजार थे, इसलिए कौमी में ख़ुद को शरीयत के मसले समझने में मसरूफ़ रखा। काबिलियत, ज़हानत, रोशन फिकर और उजले किरदार का पैकर यूनुस एमरे मदरसे से फारिग हुए तो इन्हें कौनिया से दूर मज़ाफ़ाती कस्बे नालिहान में काजी बनाकर भेज दिया गया। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैंने आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।